Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now for digital image processing online lecture series mein lecture number 2 ki taraf welcome karta hu. Aaj hamara jo topic hai wo hai histogram equalization. Kal humne jo topic cover kiya tha wo humne histogram ka cover kiya tha. Let's have an overview of ke histogram kya cheez hoti hai hamare paas. सो अगर आप ये देखें तो हिस्टोग्राम आपको बता रहा होता है कि पिक्सल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पे आपके पास पिक्सल लाए कर रहे हैं. अगर आप ये वाला इमेज देखें तो इस इमेज के अंदर ये जो शुरू में छोटी सी आपको एक लाइन नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये ज़ीरो पिक्सल को शो कर रही है, यानी ज़ीरो के ऊपर सबसे ज़्यादा पिक्सल लाए कर रहे हैं. उसके बाद अगला जो पॉइंट है पिक्सल का उसके ऊपर इससे कम है और नेक्स्ट पे उससे कम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो जैसे जैसे आप इसके साथ प्रोसेस के साथ आगे जाते हैं तो आपको आगे लाइंस नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं जो आपके पास ब्राइटर स्पेक्ट्रम की तरफ लाइंस हैं. इफ यू सी दिस दीज लाइंस, तो इन लाइंस में आपको देख के ये प्रेडिक्शन इजी हो जाती है कि किस स्पेक्ट्रम पे आपके पास इमेज की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. सो अगर ये हम पूरा हिस्टोग्राम देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ इनपुट इमेज टू द आउटपुट इमेज, तो हमें इससे क्लियरली पता लग जाता है कि हमारे पास इस वक्त मेन जो इमेज है उसका फोकस किस साइड के ऊपर है. राइट, नाउ लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. बट बिफोर आई गो अहेड let me just stop sharing first. Whiteboard. All right. So हमने इससे पहले देखा था कि हमारे पास पिक्सल्स थे 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 और हम इसका हिस्टोग्राम नाम दें. हम हिस्टोग्राम इसका किस्सा बनाते हैं, हम नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं कितने हमारे पास इस केस में. सो नंबर ऑफ वंस इन इस केस में 1, 2, 3 और 4, 4 वंस है हमारे पास. और टूज काउंट करते हैं, 2 हमारे पास इस केस में 1, 2 हमारे पास में 2 है. और 3 काउंट करते हैं, 3 हमारे पास इसमें 1, 3 है. So, अगर आप इन सारे पिक्सल्स को ऐड करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाते हैं. सो एडिंग ऑल दीज पिक्सल्स अप हमें मेन रिजल्ट पता लग जाता है. सो सारे पिक्सल्स को अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो अगर हम इनको भी ऐड करें साइड पे 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7. सो हमारे पास ये भी 7 पिक्सल. So when we draw the histogram of these pixels on the right on the x-axis, हमारे पास pixels हो रहे हैं जो 1 है, 2 है और 3 है इस केस में. और लेफ्ट साइड पे हमारे पास उनका नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो सबसे पहले हमारे पास 1 है तो 1 के हमारे पास 4 पिक्सल आ रहे हैं. Then we've got 2, जिसके हमारे पास 2 पिक्सल आ रहे हैं. और फिर हमारे पास 3 है जिसका हमारे पास 1 पिक्सल आ रहा है. सो ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को हम कहते हैं आपका हिस्टोग्राम. और अगर मैं इस ग्राफ में नंबर्स को डिवाइड कर दूं बाय टोटल नंबर व्हिच इज 7 इन दिस केस, सो दिस विल बिकम अ नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम. यानी इस हिस्टोग्राम के अंदर वैल्यूज जो है उनकी रेंज हो जाएगी 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के दरमियान. राइट, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट विंडो ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकूं. Okay, जी. So we will go ahead with the histogram equalization after this.
चलिए लेट्स सी कि हमारे पास हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या चीज होती है. राइट. अच्छा हमने हिस्टोग्राम तक देख लिया. तो हिस्टोग्राम हमारे पास इमेज के अंदर जो पिक्सल हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हिच इज कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम. और अगर हम इसको ठीक करना चाहें, यानी मैं चाहता ही हूं कि मेरा इमेज एक सारा बड़ा अच्छा हाई कंट्रास्ट का इमेज हो, सो लेट्स सी दैट कि वो हमारे पास किस तरह का इमेज. ये अगर आप इमेज देखें तो ये एक ऐसा इमेज है जिसके अंदर पिक्सल्स पूरे स्पेक्ट्रम के ऊपर स्प्रेड हुए हैं. जीरो पे भी पिक्सल्स पड़े हुए हैं, अगेन मिडल वैल्यू पे भी पड़े हैं, वंस पे भी पड़े हुए हैं. सो पूरे इमेज के ऊपर आपके पास पिक्सल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. इस तरह के ग्राफ को हम, या इस तरह के इमेज को हम कहते हैं ये आपका हाई कंट्रास्ट इमेज है. सो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या करता है कि आपके पिक्सल्स को पूरे ग्राफ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो नाउ हाउ दैट इज डन. अच्छा बिफोर वी गो इनटू इट, तो हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में जाने से पहले हम दो प्रोसेस देखते हैं. आपने ऑलरेडी इससे पहले प्रोबेबिलिटी का कोर्स लिया और इसके अंदर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा हुआ जिसको PDF कहते हैं. अगर ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है तो इसको हम आप PDF कहते हैं, और अगर ये कॉन्टिन्यूस के लिए होता है तो देन दिस इज कॉल्ड एज CDF, विच इज कॉमोलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. एक CDF का फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एसिम्प्टोटिकली इंक्रीज हो रहा है या मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब है कि पहली वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा. क्यों ऐसा हो रहा है? लेट्स सी दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड. Okay, so this is what happens when we draw the PDF for any graph. तो मेरे पास PDF किस तरह draw हो रहा होता है? ये पहले हम CDF देखते हैं. एक graph ऐसा था जिसके अंदर values थी 1, 2, 3, 1, 3. और हम इसका CDF draw करते हैं. So CDF क्या करता है कि step by step सारी values को आपस में एड करना स्टार्ट कर देता है. सो फर्स्ट मेरे पास वैल्यू अगर है 1, सो दिस इज द पॉइंट 1. उसके बाद मेरे पास में दो वैल्यू एड हुई 2. उसके बाद मेरे पास तीन वैल्यू एड हुई 1+2 विल बी इक्वलेंट टू 3, और 3+2 विल बी इक्वलेंट टू 5. 5+1 वुड बी इक्वलेंट टू 6, एंड 6+3 would be equivalent to 9. So अगर हम इन सारी values को add करें, so आपका जो resultant है, so this is 3+3, 6, 7, 8, 9, 10. So this should be equivalent to 10. So सारी आपकी values को 10 तक map करना चाहिए. So let's see this again. पहली value 1 तक, 1+2 will going to give you 3. 3+1 will going to give you, यहाँ पे गलती हुई है. 3+1 will going to give you 4. 4+3 will going to give you 7. So 1+2 will going to give us 3. 3+3 will going to give us 6. 6+1 will going to give us 7. And 7+3 will going to give you 10. So, ये इसमें सारी वैल्यूज आपस में बारी बारी ऐड हो रही है. 1+3+6+7 एंड सो ऑन. तो हम क्या कर रहे हैं कि हर वैल्यू को आपस में ऐड कर रहे हैं. पहली वैल्यू को अगली से ऐड कर रहे हैं, उससे अगली को, उससे अगली को, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हाट इज दिस ग्राफ डूइंग? दिस इज एडिंग अप ऑल द प्रीवियस वैल्यूज टिल द एंड ऑफ द वैल्यू. अच्छा
अब अगर मैं इस ग्राफ को नॉर्मलाइज कर दूं यानी इसकी वैल्यू 10 के बराबर है सो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 10 2 डिवाइडेड बाय 10 इट्स अगेन 3 डिवाइडेड बाय 10 एंड 1 डिवाइडेड बाय 10 एंड 3 डिवाइडेड बाय 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10 सो व्हाट विल हैपन ये ग्राफ अपनी वैल्यू को 0 से लेकर तो 1 के दरमियान में ऐड कर रहा होगा जो हमारे पास पीडीएफ का कॉन्सेप्ट भी है बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रीट वैल्यू जहां पे हम ऐड करें सो पीडीएफ एक आपका ऐसा ग्राफ होता है जो आपको मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करता है और मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जा रहा होता है सो नाउ लेट्स सी इन द स्लाइड्स टू इट अच्छा अब हम ये देखते हैं अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये आपको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बारे में दो इंफॉर्मेशन दे रहा है आई होप कि आपके पास स्क्रीन शेयर आ रही होगी ओके स्क्रीन शेयरिंग आपके पास आ रही है राइट लेट्स सी दिस सो जब आप इस ग्राफ यहां पे देखें जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का पहला पॉइंट आपको कहता है टी ऑफ आर इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इसका मतलब है सारे पॉइंट आपस में ऐड हो रहे हैं और उनकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है जीरो से लेकर तो टी ऑफ आर टिल एल माइनस वन In other word, this value is going between range 0 till L minus 1. वहां तक इसकी सारी values जा रही हैं. एक मिनट जी कोई student मेरे से question पूछ रहा है तो let me see what is the question she is asking me. अच्छा anyways मैं इसके बाद मैं question लेता हूँ. अच्छा सो यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है लेट पी ऑफ आर एंड पी ऑफ एस इज विल बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड इफ वी अज्यूम पी ऑफ आर एंड टी ऑफ आर ये हमारे पास नोन है सो इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो भी रिजल्टेंट रेंज थी इस रेंज को छोटी छोटी वैल्यूज में डिवाइड कर दिया विच इज डी ऑफ एस सो दैट्स वाई डी ऑफ आर इज डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस सो आपने हर वैल्यू को छोटी रेंज में डिवाइड कर दिया और इसके बाद रेंज में डिवाइड करने के बाद फिर आप वैल्यूज को ऐड करें सो व्हाट इज मलाइका इज आस्क मलाइका एंड मोहम्मद अहद दे आर आस्किंग मी सर व्हाट इज टी ऑफ आर टी ऑफ आर आपके पास इनपुट वैल्यू है जो आप इमेज से एक्वायर कर रहे हैं जो भी आपके लेट्स से मेरे पास एक इमेज है जिसके अंदर पहली वैल्यू आ रही है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 राइट और इस तरह हम हर पिक्सल की वैल्यू को आपस में ऐड करते जा रहे हैं इन दिस रेंज आई होप दैट दिस आंसर योर क्वेश्चन मलाइका अच्छा सो अगर हम इसको इमेज प्रोसेसिंग की टर्म से देखें तो ये चीज आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है अगर ये इमेज आपका कॉन्टिन्यूस होता लेकिन सिंस हमारे इमेजेस क्या हैं डिस्क्रीट नेचर के सो दिस इज अ कोमोलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन व्हिच मींस कि हमारी वैल्यूज डिस्क्रीट है और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है जीरो से स्टार्ट हो रही है टिल द आर वैल्यू जो आपके इमेज के अंदर है और कैपिटल एल है आपके इमेज की रेंज है लेट्स से अगर मेरा 8 बिट इमेज है तो मेरे पास इसका मतलब है वैल्यू जा रही है फ्रॉम 0 टिल 255 और अगर 16 बिट का इमेज है तो इसका मतलब है मेरी वैल्यू की रेंज जा रही है 65536 के अंदर राइट सो व्हेनेवर वी अप्लाई हिस्टोग्राम टू अ ग्राफ व्हाट हैपेंस कि मेरे पास जो आउटपुट की वैल्यूज आ रही होती हैं वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है यहाँ पे आपको अगर ये ग्राफ देखें सो मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे दिस इज मच मोर इजियर अगर आपको शुरू के अंदर ये डिफिकल्ट लगे तो
ये आपको पास एक ग्राफ दिया हुआ है पी ऑफ आर का. पी ऑफ आर का मतलब है कि जो भी इनपुट वैल्यूज हैं उनको हमने इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हुआ. अच्छा, हम ग्राफ में वैल्यूज को नॉर्मलाइज्ड करके ले रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी रेंज 0 से 1 तक हो. अगर हम नॉर्मलाइज ना करें तो हर नए इमेज के अकॉर्डिंगली हमें नए लेवल्स को डिफाइन करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई हम हमेशा एक एक नॉर्मलाइज्ड रेंज के अंदर वैल्यूज लेते हैं. अगर आप ये वाला 3.18 फिगर देखें तो इसमें एक आपके पास पीडीएफ दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और L-1 तक जा रही है. पीडीएफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, व्हिच मींस कि आपने हर पिक्सल की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. यही हमारा हिस्टोग्राम था. हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं कि पहला पॉइंट लिया और उसको डिवाइड किया, यानी 0 के ऊपर कितने पिक्सल आ रहे हैं, 1 पे कितने पिक्सल आ रहे हैं, 2 पे कितने पिक्सल आ रहे हैं, और फिर उसको हमने टोटल नंबर से डिवाइड किया, व्हिच इज द normalized value for the graph. So that's why this graph which is in front of you is also called as probability distribution function. Aur jab hum iski values ko add kar rahe hain, point by point add kar rahe hain, agar aap ye dekhen, which is going from 0 till L-1, so which means ke pehli value thi usko add kiya, dusri value ko add kiya, so on and so forth till this touches the peak value to it, which is the one in this case, या इसकी normalized range जो भी इसके पास आ रही है, right? So let's see the case for the discrete values. अब हम जरा discrete करना graph देखते हैं. अच्छा, मुझे एक student ने कहा था white board नजर नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो हूँ ये इसी का white board use कर लेता हूँ. New share white board. So, हमारे पास इसका फॉर्मूला है एस ऑफ के इज इक्वल एंड टू टी ऑफ आर, आर ऑफ के जो भी आर की वैल्यू आ रही है, व्हिच इज एल माइनस वन सिग्मा, व्हिच इज गोइंग फ्रॉम जे इज इक्वल टू 0 टिल के विद पी ऑफ आर जो आपके पास वैल्यू है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाली. अच्छा, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं. सो एक्सपेंशन करने के बाद जिसकी रिजल्ट आता है L-1 डिवाइडेड बाय जो आपका इमेज का साइज है M/N इनटू सिग्मा J इज इक्वल टू 0 टिल K व्हिच इज इक्वल टू N ऑफ J. अच्छा, अब हम इस जरा फॉर्मूले को देखते हैं कि इस फॉर्मूले में एक्चुअली हो क्या रहा है. ये फॉर्मूला क्या करता है कि सारे ग्राफ की नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज को ले रहा होता है. हाउ? बाय डिवाइडिंग द वैल्यूज विद एम बाय एन. लेट मी जस्ट डेमोस्ट्रेट दिस विद अ सर्टेन एग्जांपल ऑफ इट. यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्राफ दिखाया हुआ है. शेयर को चेंज आउट करता हूँ. Okay. Now see in this case, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया गया, 0 था, तो 0 को नॉर्मलाइज्ड रेंज पे जब मैप किया है व्हिच इज 0.19. सेकेंडली जब हमने इसको आगे मैप किया है फॉर द वैल्यू 1, तो इसमें आपके पास रेंज आगे 0.25. 2 को मैप किया है तो ये है रेंज 0.21. 3 को मैप किया है तो इसमें हमारे पास रेंज है 0.16. 4 को मैप किया व्हिच इज 0.08. ये जो 0.10 नजर आ रहा है दिस इज 0.08. 5 इज 0.06 एंड दिस इज 0.03 एंड लास्ट वन इज 0.02, राइट. अच्छा, ये मैपिंग हुई किस तरह? हमने नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज को इसमें लिया हुआ है जो भी हमारे पास नॉर्मलाइज्ड ग्राफ था. सो हमने टोटल सारे पिक्सल काउंट किया और उसके बाद हमने इसके ऊपर अपना बाकी ऑपरेशन परफॉर्म किया. अच्छा, नाउ सी कि अब हम एस नॉट को कैलकुलेट कर रहे हैं. अच्छा,
जब हम हिस्टोग्राम इक्वलाइज करते हैं तो इक्वलाइजेशन से क्या होता है कि जो इनपुट वैल्यू है व्हिच इज इन दिस केस इज S0, यानी जो जीरो पिक्सल है अब इसकी नई वैल्यू कब हमारे पास आ रही है. सो नई वैल्यू हमारे पास इसकी क्या है, वो हमारे पास इसकी 1.33 है. S1 की यानी फर्स्ट पिक्सल की जो पहली वैल्यू थी 1, अब वो किस पे जाके मैप होगी है 3 पे. 2 थी तो उसकी वैल्यू मैप होगी 4.5, यानी ये equivalent to 5 हो जाएगी. 3 then this will be equivalent to 5, 4 will be equivalent to 6 and 5 will be equivalent to 6 and 6 will be equivalent to 6 and 7 will be equivalent to 700, right? So what, how this is working, ये पिछले सारे pixels को आपस में add करा रहा है. So यहाँ पे देखें S0 के ऊपर, S0 में किया हमने सिर्फ पहला pixel लिया और उसको 7 से multiply कराया. 7 से किस लिए कराया, क्यों, क्योंकि मेरे इस इमेज के अंदर फॉर्मूले में क्या था, L माइनस 1 विच इन दिस केस जो हमारी अभी एग्जांपल देख रहे हैं ये एक 3 बिट का इमेज है. 3 बिट का एक मतलब है कि इसकी वैल्यू जा रही है 0 से लेकर तो 7 तक, या फिर 2 रेज टू पावर 3 विल बी इक्विवेलेंट टू 8, और माइनस 1 कर दें तो हमारे पास 7 वैल्यू आ जाती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टिल 7. और अब मैं इसमें जो इनपुट वैल्यू ले रहा हूं ये ऑलरेडी एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है, दैट्स व्हाई आपको इस जगह पे m by n वाला फैक्टर नजर नहीं आ रहा. यहां पे ये देखिए m by n दिस इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर बिकॉज़ हम अब यहां पे जो वैल्यू ले रहे हैं pr ऑफ j ये ऑलरेडी एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है, यानी 0 के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है वो 0.19 है. अगर मैं ये 64/64 से इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो ये इसकी इस 64 मल्टीप्लाई बाय 64 कम्स आउट टू बी 64 into 64 विल बी इक्विवेलेंट टू 4096. सो हमारे पास वैल्यू यहां पे क्या पड़ी हुई है, 0.19 है. 0.19 कैसे आई, कोई भी x नॉट की वैल्यू थी उसको हमने 4096 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.19. अगर आप 0.19 को 4096 से मल्टीप्लाई करें व्हिच इज x नॉट इज इक्विवेलेंट टू 0.19 मल्टीप्लाई बाय 4096, so you will going to get a value equivalent to 778. 0.24 आपको value आएगी, तो 0.24 हम ignore कर देते हैं. So basically जो input के अंदर value आई थी वो थी 778 और उसको हमने 4096 से divide कर दिया. 778 ये कौन से pixel थे, X0 यानी 0 के जो इमेज के अंदर पिक्सल पड़े हुए थे वो थे 778 और टोटल इमेज में पिक्सल्स थे 4096. सो मैंने 4096 पे इसको डिवाइड किया, सो मेरा रिजल्टेंट क्या आया, 0.19. सो दैट्स व्हाई इफ यू सी दिस वैल्यू ओवर हियर इन दिस केस तो आपको यहां पे 0 पे जो वैल्यू मिल रही है वो 0.19 है. प्लीज स्टॉप मी एट दिस पॉइंट, अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो मैं चैट पे आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूं, या फिर आप मुझे माइक से बोल के भी बता सकते हैं. सर ये एक रीड कर दें काइंडली, ये जो कैलकुलेशन हुई है. अच्छा जी एक मिनट, ये हमारा सेशन करना टाइम मेरे ख्याल 4 या 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा आपको मैसेज कर दूंगा नई आईडी के लिए, बिकॉज़ ये 40 मिनट्स का सेशन होता है, 40 मिनट्स के बाद ये टाइम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ना एक्सपायर कर देता है. हमारे पास ना एक इनपुट, लेट्स क्लियर दिस ड्राइंग अ बिट. हमारे पास एक इनपुट इमेज था जिसका साइज है 64 by 64 का साइज है, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो टोटल 64 मल्टीप्लाई बाय 64 बनता है 4096.
जिसमें x नॉट के ऊपर जो पिक्सल्स पड़े हुए हैं वो हमारे पास है 778. x1 पे जो हमारे पास पिक्सल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं वो हैं 1024. और x2 पे जो मेरे पास पिक्सल्स पड़े हुए हैं वो हैं मेरे पास 860. अब मैंने इन्हें नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज का हम करने का तरीका कार क्या होता है कि जितने भी पिक्सल है उसको डिवाइड कर देते हैं इमेज के टोटल साइज के साथ, व्हिच इज 778 डिवाइडेड बाय 4096. सो व्हिच विल बी नाउ इक्विवेलेंट टू अ वैल्यू ऑफ 0.19. सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही. और सिमिलरली x1 को भी हम इसी तरह कर देंगे, व्हिच इज 1024 डिवाइड बाय 4096. 1024 डिवाइडेड बाय 4096 करेंगे तो आपको इसका रिजल्टेंट सेम ऑब्टेन, आपको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा 1.75 आई गेस. लेट मी जस्ट सी द स्लाइड्स. So, अगर आप 1 पे देखें तो 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 3. लेट मी शो सी द वैल्यू ऑन 1. प्रोबेबिलिटी ऑन, सो प्रोबेबिलिटी ऑन 1 इज इक्वलेंट टू 0.25. सो ये वाला हमारे पास कैसे है, 1024 को जब 4096 पे डिवाइड करें तो आपको इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है विच इज 0.25 मिलती है. So, हमारा सेशन का 2 मिनट का टाइम हो रहा है. सो मैं आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं 2 मिनट में क्लियर करूँ ताकि हम नेक्स्ट सेशन से पहले इस चीज को क्लियर कर लें. सो किसी और का सवाल है प्लीज मेरे से पूछें. क्लियर है सर, थैंक यू. Let me see the chats. अच्छा जी, हम ना अपने इमेज को देखते हैं. लेट्स स्टार्ट इट ओवर. ये जो आपके स्लाइड्स हैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, सो आई एम ड्रॉइंग इट ओवर हियर. X naught is equivalent to, हमारे पास X naught के 778 pixels हैं और X1 के मेरे पास 1024 pixels हैं और X2 के मेरे पास 860 pixels हैं. X3 के मेरे पास 655 पिक्सल है. X4 के मेरे पास इस केस में 327 पिक्सल है और X5 के मेरे पास 245 पिक्सल है. जब हम इन सारे पिक्सल्स को और X6 के मेरे पास इस केस में 122 पिक्सल है और X7 के मेरे पास अराउंड 81 पिक्सल है. अच्छा जी, यस, मेरे से ये मलाइका ने पूछा है कि हम इसमें कुछ वैल्यू या डिटेल लूज नहीं कर जाते. ऑब्वियसली हम वैल्यू या डिटेल लूज कर जाते हैं और उसमें माइनर सा चेंज ओवर आता है. अच्छा, इस सारी वैल्यू को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं. ये हमारा सेशन जो है ना, द टाइम इज गेटिंग ओवर फॉर दिस सेशन. सो मैं इसके बाद एक नया सेशन क्रिएट करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से आप लोगों के सीआरस को ना दोबारा से वो इसका ज्वाइनिंग कोड मैं मैसेज कर देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा ज्वाइन कर.
किसी का कोई सवाल हो तो अच्छा, और आप लोग ना मीन वाइल इन द ये 5 मिनट्स के बाद जो सेशन एस्टेब्लिश होगा तो इसमें आप जो है ना वो देख लें कि इसको आप नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं।